नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल चौधरी। आप देख रहे हैं नजर टुडे। तो स्वागत है आपका नजर टुडे की खास पेशकश, जिसका नाम है स्पोर्ट्स नजर विद अनमोल। तो अभी बहुत से मैचेस चल रहे हैं। इंडिया और वेस्ट इंडीज का सेकंड टेस्ट का चौथा दिन भी पूरा हो चुका है, आज पांचवा दिन चालू होगा। बट जो हमारी डिस्कशन है वो होगी इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तानी ए। मैं बात कर रहा हूँ इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल की। तो जैसा आपको सबको पता है, ये कहावत है हिस्ट्री गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, और ऐसे ही हमें कल देखने को मिला। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको 2017 में लेके जाऊंगा, जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था। वहां पे इंडिया ने क्या गलती करी थी, फ्लैट विकेट्स पे, बैटिंग विकेट पे पाकिस्तान को पहले बैटिंग करवा दी थी, और पाकिस्तान ने 332 समथिंग स्कोर करा था, जिसके प्रेशर में इंडिया का टॉप ऑर्डर अपने विकेट गिरा दिए थे, और इंडिया वो बहुत ही हैवी मार्जिन से मैच हार गई थी। कल भी ऐसा देखने को मिला। पहली बात तो आप बड़े फॉर्चुनेट होते हो कि ऐसे नॉकआउट गेम या फाइनल में, स्पेशली अगर टॉस जीत जाओ तो तुमसे ज्यादा फॉर्चुनेट कोई नहीं होता। तो तुमने जो फॉर्चुनेट एक प्लस पॉइंट मिला था, तुमने वो गवा दिया, और सामने वाली टीम को तुमने बैटिंग करवा दी। क्या होता है जब, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एशिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज्यादातर विकेट्स होती है जो स्पिन को मदद करते हैं, और श्रीलंका तो इसमें माहिर है, और जाना भी जाता है कि यहाँ पे स्पिन को मदद मिलती है, स्लो विकेट्स होती हैं। तो पूरे जो हमारे जो अभी टूर्नामेंट हुआ था इमर्जिंग एशिया कप का, हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा भी था कि यहाँ पे स्पिनर को मदद मिल रही थी। तो जब टर्निंग टेस्ट पे, तो हमें क्या करना चाहिए? टर्निंग टेस्ट जैसे चलते रहते हैं समय के साथ साथ, और स्लो होते रहते हैं, बैटिंग मुश्किल होती है। तो अब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, वो कोशिश रहती भी है और टीमों की, कि पहले बैटिंग करे, ज्यादा ज्यादा स्कोर बनाए और सामने वाली टीम को रोके। और दूसरी चीज, जब भी कोई फाइनल या नॉकआउट मैचेस आते हैं, तो जो उसका होस्टिंग नेशन होता है उसकी भी इज्जत दांव पे लगी होती है, वो बढ़िया से बढ़िया विकेट देने की कोशिश भी करता है। तो आपने सबसे पहले गलती, तो चलो यश धुल तो जो इंडियन टीम के कैप्टन थे वो तो यंग थे काफी, बट तो यहाँ पे गलती है कोचिस की, मैनेजमेंट की। वो तो एक्सपीरियंस थे, वो तो अनुभवी थे, उन्हें इतना तो नॉलेज होनी चाहिए कि आप यार फाइनल में खेल रहे हो, विकेट भी अच्छी है, यहाँ पे बाद में टर्न होगी, आपने सानवाली टीम को बैटिंग करवा दी, और सेम रेप्लिका हुआ, नो बॉल हुई। देखो वो एक जो इंडियन टीम का जो बैट्समैन अभी आउट भी होता, अंपायर ने नो बॉल नहीं दी, मैं उस चीज पे जाऊंगा नहीं, ये एक्सक्यूज है भाई। अगर वो लीगल आउट तो उन्हें कराई है, वो तो अंपायर का डिसीजन है, बट तुम अपने आप को उस कंडीशन में कैसे लेके गए, सवाल ये है। पहले वो ये रेप्लिका हुआ, नो बॉल तो तुमने भी करवा दी, तो तुमने तो नो बॉल करवाई थी, आउट हो गया था उनका ओपनर पाकिस्तान का, पहले सैम अय्यूब की बात करूं, बट एनीवेज उनके ओपनिंग ने ही तुम्हारी एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं भी मैच देख रहा था और जब मैंने उनकी ओपनिंग लगते हुए देखी, तो मुझे डाउट आ गया था कि इंडिया का मैच जीतना मुश्किल है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में विकेट्स होगी स्लो और बैटिंग होगी मुश्किल, बड़े स्कोर का प्रेशर अलग, फाइनल का प्रेशर अलग, पाकिस्तान से हारने का प्रेशर सबसे ये बड़ा, ये उससे सबसे अलग, सबसे हटके पाकिस्तान से हारने का डर, इस डर का प्रेशर, और वही हुआ। थोड़ी सी रिजेमलेंस दिखाई ओपनिंग में, अभिषेक शर्मा की बात करूं तो सुदर्शन इस बार फ्लॉप हुआ फाइनल में, और मैं सुदर्शन की बात करूं तो नॉकआउट्स में उसका प्रदर्शन नहीं है, सेमीफाइनल में भी जल्दी आउट हुआ, वो फाइनल में भी जल्दी आउट हुआ। यहाँ ये कह सकते हो उसका यहां तक का लाने का योगदान था, बट ये भी गलत नहीं है कि सफर थोड़ा आसान था, क्योंकि तुम्हें रास्ते में यूएई जैसी टीमें में और नेपाल जैसी टीम में तुम्हें मिली थी। बस तुम्हारे एक ही मैच हुआ था पाकिस्तान का स्ट्रोंग वाला, जो तुमने वो जीता था धड़ल्ले से, मतलब एक तरफा वो तुमने जीता था, उसके अलावा तुम्हें सारे पीस ऑफ केक मैचेस मिले हैं। क्या यूएई नेपाल से तो हमारे स्टैंडर्ड क्रिकेट का, इंडियन का बहुत ही बड़ा है। तो सुदर्शन की मैं बात करूं, बड़े मैचेस में भी इसको स्कोर करना पड़ेगा, जैसे फाइनल मैंने आईपीएल का करा था, कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, एक बात है। तो फिर यश धूल भी पूरा कंसिस्टेंट चलता है, बट दिक्कत ये होगी जब बोर्ड पे 350 लगा दिए थे ना पाकिस्तान की टीम ने, 350 जब आदमी चेस करने जाता है ना, तो चाहे कोई भी विकेट हो, कितनी फ्लैट हो, वो अपने ऊपर प्रेशर ले जाता, और ऐसे ही हुआ। और बाद में मैं दो तीन चीजों की और बात करूंगा, ये हमने बात करी थी, रियान पराग का सिलेक्शन बनता नहीं था, और भी हम पे प्लेयर्स थे, सरफराज की मैं बात करूँ तो बहुत, हम तुम करो नायर को भी यहाँ यूज कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने अनुभवी प्लेयर्स यहाँ लेके लाया था, जो पाकिस्तान में चार पांच प्लेयर ऐसे थे जो पाकिस्तान की जो करंट टीम है उसमें खेलते हैं, वसीम जूनियर,
धानी और तुम्हारा सैम अय्यूब, मोहम्मद हारिस, तो ये सब प्लेयर्स इसमें पाकिस्तान की टीम में पहले से खेलते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम की। ओपनिंग साझेदारी ने एक नींव रखी बड़े स्कोर की, बट इंडियन टीम का वहाँ छोटा सा कमबैक हुआ, जिन्होंने उनका जो फर्स्ट डाउन आया उमेर यूसुफ, वो भी अच्छा बैट्समैन था, 35 पे खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था वो भी। तो वहां पे सैम अय्यूब का विकेट आया, फिर अपना उमेर यूसुफ का विकेट आया, फिर उस अगली बॉल में भी लगातार विकेट, 2 विकेट आए थे सैम अय्यूब के बाद। जब उमेर यूसुफ ने फरहान के साथ साझेदारी करी थी, तो उसके बाद जब उमेर यूसुफ का विकेट आया था, तो अगली बॉल में भी लगातार विकेट आता। यहाँ तुम्हें वापसी करने का मौका था, पर तुमने मुबसिर से भी रन मांग पड़वा दिए, जो उनका सबसे लास्ट बैट्समैन बचा था, 7वें नंबर के बैट्समैन की बात करूंगा, तुमने उससे 35 रन खा गए। तुमने छोड़ो, तुम क्या बॉलर से रन खा गए। वसीम जूनियर 10 मार के जा रहा है, उसके नीचे कोई 12 मार के जा रहा है। तो भाई टीम कंट्रीब्यूशन से रन बनता, पूरी उनकी टीम ने कंट्रीब्यूट करा, वो 350 तक पहुंच गए। और जब 350 तक पहुंच गए, तो पहले से ही ऑन द बॉल से था कि 90% चांसेस इंडिया के हारने के हो गए थे, क्योंकि विकेट्स और कंडीशंस, प्रेशर सब पाकिस्तान के फेवर में था, और ऐसा ही साबित हुआ। तो इससे सीखने को क्या मिलता है यार, हम अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, जो इंडियन टीम ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, जो पास्ट में इन्होंने उनकी सीनियर टीम ने भी जो गलती करी थी वो भी इन्होंने यहाँ पे दोहराई, ये सबसे बड़ी इनकी गलती थी। क्या किया जा सकता, तुम यहाँ पे खुद बैटिंग करते, मैं बिलीव मी गाइस, अगर ये इंडियन टीम यहाँ पहले बैटिंग करती ना, तो 340 से 350 ये भी स्कोर करती, और आराम से कप हमारी झोली में आता। अब भाई आईसीसी ट्रॉफीज तो आ नहीं रही थी सबको, मैं थी, अब एशिया कप भी नहीं सीनियर टीम भी ला पाई थी, अभी जूनियर टीम ने काफी ऐसा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिए थे कि यहाँ तक फाइनल तक एक मैच भी नहीं, सिंगल मैच नहीं आ रहे, बट यहाँ भी ट्रॉफी लाने में ये नाकाम हुए। बट लड़के यंग थे, अगर ओवरऑल खेलूँ तो अच्छा सीजन गया, क्योंकि यार जो हमारी इंडियन जो ऑडियंस है ना, उन्हें क्या चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो हर हालत में जीत चाहिए, एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी, वॉलीबॉल, डजेंट मैटर, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ जीत चाहिए। आप इंडियन ऑडियंस से पूछोगे कि यार आपको आईसीसी ट्रॉफी चाहिए या पाकिस्तान के खिलाफ जीत चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे हमें पाकिस्तान के खिलाफ जीत जरूर चाहिए। एक तो सोने पे सुहागा, यहाँ पे तुम हीरो बन सकते थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी फाइनल अगर जीत जाते तो। अब मैं बता रहा हूं, जो ये पाकिस्तान की टीम इंडियन से जीती है, अब देखना आपको जो पाकिस्तान सीनियर टीम है, यहाँ के जो प्लेयर्स थे अभी आते हुए दिखेंगे, और ये अपने नेशन में हीरो बन जाएंगे। और क्योंकि ऐसे होता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करता है वो इंडिया में हीरो बन जाता है, जो इंडिया के खिलाफ स्कोर करता है वो पाकिस्तान में हीरो बन जाता है। आप सब भूल जाएंगे कि अय्यूब ने एक ही मैच में रन मारे थे, पर जहां मैटर्स द मोस्ट, वहां उसने स्कोर करा 59 का, और फरहान ने उसके ओपनिंग में साझेदारी अच्छी निभाई, और ओमेर यूसुफ भी जो उनका सबसे कॉम्पैक्ट प्लेयर है फर्स्ट डाउन का, वो भी अच्छा जा रहा था, वो तो थैंक गॉड वो 35 पे आउट हो गया, तो तुम्हारी थोड़ी सी बचत हो गई। और उसके बाद बात करूं तैयब ताहिर की, ऐसी विकेट्स पे ऐसी इनिंग्स खेलना काबिले तारीफ है, क्योंकि 60 समथिंग बॉल में उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी थी। तो भाई अगर मैं बात करूं ओवरऑल सिनेरियो की, तो पाकिस्तान आउटप्लेड इंडिया, और 128 के मार्जिन से, 100 रन से ऊपर के मार्जिन से हमेशा ही बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, चाहे कोई सा ही फॉर्मेट का हो, चाहे टेस्ट और T20 में तो बहुत बड़ी होती है, ODI की मैं बात करूं और टेस्ट की बात करूं, 100 रन का मार्जिन काफी हैवी मार्जिन माना जाता है, और इसी मार्जिन से इंडिया को शिकस्त मिली है पाकिस्तान के द्वारा। तो क्यों, यंग बच्चे थे बस, ये हमारा जो कंसर्न था, जो हमने गलती बताई, जो ब्लंडर्स करे, गलती भी नहीं ब्लंडर्स करे थे, वो हमने अपने चैनल के माध्यम से बताए, जो हमारे अपनी जनता को कि क्या हो सकता था, क्या सही हो सकता था, सही यही हो सकता था कि बैटिंग करते पहले, क्योंकि यार हम फाइनल में जब हम खेलते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये रहती है यार ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके ना सामने टीम को प्रेशर मिले, क्योंकि फाइनल का प्रेशर दूसरा और बड़े स्कोर का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर सामने वाली टीम को जो चेजिंग करती है उनको ले डूबते हैं। तो अब हम दोबारा आपको मिलेंगे कल इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच के बाद, उसमें भी बात करेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जीत ही जाएगी, और उसमें बात करूँ, किशन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दी, अच्छे तेज फिफ्टी मारी 33 बॉलों में, तो वहां भी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ही खेल जगत की तमाम खबरें जानने के लिए और देखने के लिए देखते रहे नजर टुडे। धन्यवाद।